देखो यहाँ कोरम कोरम पूरा नहीं हो जाता, यहाँ कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पूरा है, अब कार्रवाई रुकती नहीं सकती है। आप लोग शोर करना है करें, मैं अभी यहाँ पे स्पीक माइक भी नहीं है, आप लोग का माइक बंद कर रहे हैं। क्रिश्चियन चर्च में नमाज जुमा की जायद मासूम बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया, एक तरफ और बाकायदा इस सहलनाक खूनी मंजर को वीडियो बनाकर पेश करता रहा। इस किस्म की बर्बरियत से दुनिया के तमाम मुसलमानों को दहशत गर्दी के इस वाक्य पर दिली दुख और अफसोस हुआ है, जिसपे बलोचिस्तान असेंबली का ये ऐवान न सिर्फ पुरजोर मजम्मत करते हैं बल्कि इस अफसोस जुमले के नतीजे में शहादत पाने वाले मुसलमानों को खराज तहसीन पेश करता है और जो और यकजहती जख्मियों के साथ स्पीकर को सेहत याबी के लिए दुआ मांगता है। नीज ये ऐवान वजीर आजम न्यूजीलैंड को मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत और इनके गम में शरीक होने के लिए मुसलमानों के साथ सारी यकजहती पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता है और उम्मीद करता है कि इस वाक्य में एक चीज मेरे पास कुछ रिकॉर्ड आ जाए फिर मैं बात करूँ ना, किरदार तक पहुँचाया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की कोई वाक्य आ जाए मैं वो करूँ। दिया कि असम वो अपना पेश करें कि उन्होंने कितना पीएसडीपी को इम्प्लीमेंट किया है, का बड़ा अहम करारदाद है और इसमें ऑपोजिशन जो है इस तरह का मुजामती करारदाद पेश हुई, ये न्यूजीलैंड के मुसलमानों की बहुत अहम जो है जिसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने नॉन मुस्लिम होकर इतना अहम किरदार अदा किया और हम मुसलमानों की बात कोई नहीं सुन रहे, असेंबली में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। इस तरह नहीं होता है, हमने गवर्नमेंट से बात किया, उन्होंने कहा भी हम चलाएंगे। मेरे ख्याल मुजम्मती करारदाद पेश हुई, क्या मोरकिन मोरक अपनी मुजम्मती करारदाद की फिजिबिलिटी में कुछ बोलना चाहती है? जी बिल्कुल, ये तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम इशू है जिसकी आज मैंने करारदाद पेश की है, कंट्री है और एक हमें इसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए। शहीद किया इसको और न्यूजीलैंड की वजीर आजम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुसलमानों का भरपूर साथ दिया और अफसोस है कि यहाँ पर बहुत सारे करारदाद है और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करती हूँ। चेयर के साथ ताउन नहीं कर रहे, आया मुजम्मती करारदाद को मंजूर किया जाए, मुजम्मती करारदाद मंजूर हुई है।